बॉलीवुड की फेमस प्लेबैक सिंगर, एक्टर और एंकर आदित्य नारायण हाल ही में शादी के बंधन में बंधे हैं। बीते 1 दिसंबर के दिन आदित्य नारायण ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस श्वेता अग्रवाल के साथ सात फेरे लिए हैं और इस बीच सोशल मीडिया पर लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है। आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल की शाही शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। वहीं दूसरी ही ओर आदित्य नारायण को लेकर कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। हाल ही में आदित्य नारायण ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे किए हैं। वहीं आदित्य नारायण ने अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर भी बताया है और साथ ही साथ अपनी सेविंग्स को लेकर। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते कुछ महीने से आदित्य नारायण पैसों की तंगी झेलते हुए नजर आ रहे थे, जिसके चलते आदित्य काफी परेशान थे। लेकिन अब आदित्य का एक बेहद बड़ा सपना पूरा हो चुका है। आदित्य खुद का सपनों का आशियाना खरीदना चाहते थे, लेकिन फाइनली आदित्य ने 5 BHK एक अपार्टमेंट खरीद लिया है और इस अपार्टमेंट में कुछ महीने बाद श्वेता के साथ शिफ्ट भी हो जाने वाले हैं। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि आदित्य ने ये अपार्टमेंट मुंबई के अंधेरी में खरीदा है, वो भी उस जगह पर जहाँ उनके पिता उदित नारायण का घर महज कुछ ही बिल्डिंग दूर है। पर इस वजह से आदित्य भी काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। लेकिन हाल ही में आदित्य ने इस अपार्टमेंट को लेकर और साथ ही साथ अपनी सेविंग्स को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। अपने एक इंटरव्यू में आदित्य ने कहा है कि मैंने अंधेरी में एक नया BHK फ्लैट खरीदा है। ये मेरे माता पिता के घर से सिर्फ 3 बिल्डिंग दूर है। 3-4 महीनों में हम शिफ्ट हो जाएंगे। वहीं क्योंकि कुछ समय पहले तक आदित्य के पास पैसों की कमी थी, अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अपार्टमेंट किस तरीके से आदित्य ने खरीद लिया है। इस बात का खुलासा खुद करते हुए नजर आए हैं आदित्य नारायण। आदित्य ने बताया है कि मैं इस घर के लिए कई सालों से सेविंग कर रहा था। आदित्य के मुताबिक सामने आया है कि ये नया अपार्टमेंट लॉकडाउन से पहले ही उन्होंने खरीद दिया था और लंबे समय से पैसे भी बचा रहे थे। उन्होंने ये अपार्टमेंट पहले ही खरीदा है और इस अपार्टमेंट को खरीदने का वह कई सालों से मन बना रहे थे, लेकिन फाइनली आदित्य का ये सब पूरा हो चुका है और इन दिनों आदित्य काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।